ताइवान में बुधवार यानी 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं 730 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप ईस्ट ताइवान में के हुलियन शहर में आया था। इसका केंद्र धरती से 34 किलोमीटर नीचे था। वहीं भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं कई लोग के मलबे में दबे होने की खबर भी सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि यह ताइवान में 25 साल में आने वाला सबसे तेज तीव्रता वाला भूकंप है। इसके पहले 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, तब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भूकंप के बाद ताइवान, जापान और फिलीपींस ने सुनामी का अलर्ट जारी किया था। जापान के मौसम विभाग ने समुद्र में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक की लहरें उठने का अनुमान जताया था। हालांकि जापान और फिलीपींस ने अब सुनामी अलर्ट हटा दिया है। चीन में ताइवान मामलों पर नजर रखने वाले ऑफिस ने कहा कि वो भूकंप से हुए नुकसान को चिंतित हैं और ताइवान में मदद भेजने को तैयार हैं। वही चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। वही ताइवान अपने आप को स्वतंत्र कहता है। वही भूकंप के बाद ताइवान के 91,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। वही भूकंप से तारों और पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी ताइपे और हुलियन शहर में हुआ है। यहाँ 26 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई इमारतों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। कई लोग मलबे में दबे भी हैं। इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।